मेरी सीरीज का नाम है मैं बोलना चाहता हूं। मैं बोलना चाहता हूं कि चुनाव चल रहे हैं, बहुत सारे लोग बहुत तरीके की बातें कर रहे हैं। मुझे भी लगा अपने दिल की बोलूं, उस एक दिन की बात करूं जब मोदी जी को अपनी मां की अंतिम यात्रा में उन्हें कंधा देता देखकर मुझे मेरी स्वर्गवासी मां की याद आई। क्यों आई? मैंने सोचा एक तरफ मैं हूं और दूसरी तरफ देश का प्रधानमंत्री। मां के जाने से मैं टूट गया था, महीनों तक कोई काम नहीं कर पाया था, पर प्रधानमंत्री को क्या लगा होगा? मुझे लगा प्रधानमंत्री की मां गई हैं, पर उस दिन न देश के बड़े नेता आए, न अंतिम दर्शन की लंबी लाइन लगी। उस दिन एक तरफ मां की चिता अभी भी जल रही थी और दूसरी तरफ चिता को मुखाग्नि देने वाला बेटा काम में लग गया था। मुझे याद नहीं है मैंने ऐसा दृश्य पहले कब देखा। सोचता हूं आखिर क्या चल रहा होगा उस इंसान के मन में, उस बेटे के मन में। एक तरफ हर पल अपने देश के नाम करने का संकल्प, तो दूसरी तरफ जन्म देने वाली मां से कभी वापस न मिल पाने का खालीपन। द्वंद क्या उनके मन में नहीं चला होगा? फिर समझ आया कि उस दिन अगर उन्होंने काम को छोड़ दिया होता ना, तो शायद मां भी उनसे छूट गई होती। उस दिन प्रधानमंत्री ने अपना निजी दुख किनारे रख मां से मिले देश सेवा के संस्कार को निभाया। आंसू तो मोदी जी को भी आए होंगे, चिता की अग्नि पर नजर टिकाए, मां की सुनाई कोई आधी अधूरी लोरी को याद कर आंखों के किनारे से चुपचाप बह गए होंगे। मां के जाने के बाद दुनिया तो छोड़ो अपने लिए जीने का मन नहीं करता, पर शायद हर पल देश के नाम का मतलब यही होता है कि अपने लिए जीने का मन करे ना करे देश के लिए काम करना होता है। आज मेरे मन में एक सवाल है जिसे आप सभी से अभी पूछना जरूरी है कि पिछली बार इस देश ने ऐसा प्रधानमंत्री कब देखा था जिसका कुछ भी निजी नहीं था, न सुख न दुख। आगे कई प्रधानमंत्री आएंगे, पर शायद ऐसा कोई नहीं आएगा जो हर पल देश के लिए जिया हो, जिसका हर पल देश के नाम हो।